सन 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। उसी के 80 साल बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया है भारत जोड़ो यात्रा, वो भी मोदी सरकार के खिलाफ। तो फिर इसका नतीजा क्या होगा? क्या कांग्रेस ले पाएगा वो जादुई आंकड़ों वाला सीट जो 273 का होता है आने वाले 2024 के सांसदीय निर्वाचन में? क्या लोग कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी को वोट डालेंगे जो हिम्मत रखता है पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनको मारने की? जय जगन्नाथ दोस्तों, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अपने पार्टी के कैडर और आम जनता के सहित मिलकर कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक पैदल चलकर 150 दिनों में 3,750 किलोमीटर कवर करने के लिए ठान लिए हैं। अकॉर्डिंग टू कांग्रेस, ये यात्रा न्यू दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के डिवाइसिव पॉलिटिक्स के खिलाफ लोगों को एकत्रित करना है और इसका मुख्य उद्देश्य समाज में बाइगोट्री, फियर और प्री जुडिसाइसेस का जो राजनीति और उसके बाद बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई के खिलाफ लोगों को एकजुट करना है। भारत जोड़ो यात्रा यूजेस ए लॉट ऑफ स्लोगन्स जैसे कि संविधान बचाओ, महंगाई से नाता तोड़ो, मिलकर भारत जोड़ो, जुड़े कदम, मिले वतन, एक्सेट्रा। भारतीय जनता पार्टी ने इस रैली को बहुत ही समालोचना करने के साथ साथ इसको परिवार बचाओ रैली का भी नाम दे दिया। इतना ही नहीं, तमिलनाडु के बीजेपी प्रेसिडेंट सीटी रवि ने अपने ट्विटर में राहुल गांधी और उनके भतीजी का जो पिक्चर डाला था उसके बाद जन आक्रोश के चलते उसको हटाना पड़ा और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ। इस यात्रा में बहुत बड़े बड़े दिग्गज जैसे कि साउथ इंडिया सुपरस्टार कमल हासन, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, वो लोग भी इस यात्रा में शामिल हुए। यहाँ पे कुछ बातें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जो ये सवाल उठाता है कि सच में हमारा देश गणतांत्रिक है? न्यूज ब्रॉडकास्ट का कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ इस कदर रिश्ता टूटा कि सोशल मीडिया को इन दोनों में से किसी का भी भूख नहीं है। ऑल्सो जोड़ो पॉलिटिक्स डू नॉट मेक गुड हेडलाइंस आज द टुकड़े टुकड़े गैंग्स डू। न्यूज में दिखाया जाता है कि आप लीडर सत्येंद्र जैन को तिहार जेल में जिसने मसाज किया था वो एक फिजियो था या रेपिस्ट। उसी समय श्रद्धा मर्डर केस में एक डोमी मरीज का नार्को टेस्ट को 10 मिनट तक का कवरेज मिलता है, पर गुजरात के सूरत में राहुल गांधी जी का पहली चुनाव को पूरा सीमित कर दिया गया था, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको नजरअंदाज कर दिया गया था। अभी फिलहाल प्रकाश किया गया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 142 से गिरकर 150 पर आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मीडिया सबसे लोकतांत्रिक माने जाने वाले देशों में सबसे अधिक राष्ट्रवादी और सत्तावादी सरकारों के दबाव का सामना कर रहा है। मीडिया सहकर्मियों के लिए भारत सबसे खतरनाक देशों में से एक है। इसके साथ साथ मीडिया सहकर्मियों को बहुत सारे शारीरिक शोषण का भी सामना करना पड़ता है, जिसमें आता है पुलिस हिंसा, राजनैतिक कार्यकर्ताओं के द्वारा घात लगाकर हमला करना। इन एडिशन टू दैट, आपराधिक समूह या भ्रष्ट स्थानीय अधिकारियों के द्वारा घातक प्रतिशोध भी शामिल है। 2019 में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट के द्वारा प्रकाशित की गई डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया का रैंक 41 से घटकर 51 पर आ गया और इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी बताया गया है। तो ये फ्लॉड डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी इंडेक्स जो 2006 से पब्लिश किया जा रहा है वहां से शुरू करके 2019 तक इंडिया का स्कोर सबसे कम है, जो कि 6.90 बताया गया है। तब की पिछले साल यानी कि 2018 में ये 7.23 था। वैसे तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे चीजें हैं जिसमें डिस्कशन कर सकते हैं। 2024 में कौन सत्ता में आएगा ये 140 करोड़ जनता का डिसीजन होगा, पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश जिस संविधान, जिस अस्तित्व के ऊपर बना हुआ है, जिस संविधानिक मूल्यबोध और मौलिक अधिकार के लिए सारे विश्व में हमें इतना इज्जत मिलता है,
उसी देश के बनने के ऊपर जब प्रश्न उठाया जाता है तो आपको नहीं लगता कि कहीं कुछ खामियां रह गया है? विचार तो समाज का है, उत्तर आपको देना पड़ेगा। आशा करता हूं इस वीडियो को बनाने में जितना मजा मुझे आया है उतना मजा आपको देखने में आएगा। अपना कमेंट जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।